सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आपको आज मैं यह जानकारी देने वाली हूँ कि श्राद्ध पक्ष क्यों शुरू हुए, क्या कारण से शुरू हुए। तो आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष की महाभारत काल से जुड़ी हुई बात बताऊंगी, अग्निदेव से जुड़ी हुई बताऊंगी और इंद्रदेव से जुड़ी हुई कथा बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल भक्ति ट्रेनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले महाभारत काल से जुड़ी हुई पितृपक्ष की जानकारी। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पित्र पक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया है। भीष्म पितामह ने बताया कि अति मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमित ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि आपका पुत्र भले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलौने और पूजा कार्य करने के लिए किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिया था और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसी भी मान्यताएं बताई जाती है कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि अग्निदेव से संबंधित पितृपक्ष की जानकारी। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अर्जिन हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इंद्रदेव से जुड़ी हुई कथा। दोस्तों ऐसी मान्यताओं के मुताबिक दानवीर करण, जो दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उनकी आत्मा को खाने के लिए सोन दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोना क्यों दिया जा रहा है। इस पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो गया और कर्ण को वापस से धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया था और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और वह वापस स्वर्ग आ गए थे। तो दोस्तों ये थी अग्निदेव की कथा, इंद्र की कथा और महाभारत से जुड़ी हुई पितृपक्ष की कथा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।